आप सभी का स्वागत है EIS प्रिस्क्रिप्शन में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि EIU की ओर से आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जहां पे आपके जो फॉर्म स्टार्ट है वो 5 अगस्त से करवा दिया गया है। लास्ट डेट आपके 4 सितंबर तक दिया गया है। लास्ट जो फीस पेमेंट है वो 4 अगस्त तक कर सक। आप सभी का स्वागत है EIS प्रिस्क्रिप्शन में। इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की ओर से आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जो फॉर्म है वो 5 अगस्त से स्टार्ट है। लास्ट डेट 4 सितंबर तक दिया गया है। लास्ट जो फीस पेमेंट है वो आप अपने 4 सितंबर तक कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपकी एग्जाम डेट को लेकर जो बातें वो नहीं बताया गया है। साथ के साथ अगर यहाँ पे जनरल OBC और AWS के लिए बात करें तो आपके लिए 1000 जो एप्लीकेशन फीस है वो रखा गया। बाकी SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल को कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। आप अपने फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो एज है वो आपके जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के लिए वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन वाले रूल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है वो आपके 342 पोस्ट के लिए जारी किया गया, यानी कि 342 जो पोस्टें हैं वो जारी किए गए हैं। पोस्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट में आपके अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है वो मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 237 पोस्ट हैं, जहाँ पे आप किसी भी डिग्री से अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आपके MBA PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगर आप किसी तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव में करना चाहते हैं जहाँ पे BA और BTEC के फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इसके साथ ही जूनियर असिस्टेंट पे आपके बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ आपके सीनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री अगर आपका कॉमर्स में है तो यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर बताई गई हैं। फिलहाल जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप अपने फ़ोन से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जो नोटिफिकेशन है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इसके साथ ही जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा। तो बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई सवाल रह जाता है तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।